Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 6 by Brain Root series. And here is a book. The name of your book is Literary Journeys. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 12 of your book. And the name is Tables Turned. So let's start the chapter with warming up. So children, Have you ever borrowed anything from anyone? क्या आपने कभी किसी से कोई चीज उधार मांगी है? What would you do if you lost or broke it? तो मान लो आपने किसी से कोई चीज उधार मांगी कि please अपनी ये बॉटल मुझे दे दे, या फिर कोई और चीज, कोई स्पेशल चीज किसी पर्सन की, अपनी किट मुझे दे दे, एंड वो चीज गलती से खो जाए या फिर टूट जाए. What would you do? आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? What would you do if someone lost or broke something you lent them? और ऐसा आंसर आपको देना है, क्योंकि हो सकता है सिचुएशन आपके साथ भी हो जाए. तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ये सोचें आप कि आपने किसी को कोई चीज उधार दी हो और उसने आपकी वो चीज खो दी हो या फिर तोड़ दी हो. शेयर योर थॉट्स. तो आपको बताना है कि अगर आपने किसी से कोई चीज ली है और वो चीज खो जाए या टूट जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या करेंगे? और आपकी कोई चीज कोई और खो दे या किसी और से टूट जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो दोनों सिचुएशंस को आपको सोचना है एंड देन यू हैव टू आंसर. This is the story of a potter. ये जो स्टोरी है किसकी है? एक पॉटर की है. पॉटर कौन होता है? जो पॉट्स को बनाता है. So this is the story of a potter who lived in a village in Tamil Nadu. जो तमिलनाडु के एक विलेज में रहता है. He had only one child, a son. उसका बस एक बच्चा था और जो था एक बेटा. The potter could not be called a rich man, but he had great plans for his son. वो जो पॉटर था वो आप ये नहीं कह सकते बहुत अमीर था, लेकिन उसके बहुत सारे प्लान्स थे अपने बेटे को लेके कि मैं उसके लिए ये करूँगा या वो करूँगा. ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन फूड एंड क्लोथ्स फॉर द बॉय एंड सेंट हिम टू स्कूल. उसने क्या किया, अपने बेटे के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए, उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे, फूड अरेंज किया और उसे स्कूल भेजा. इन ड्यू कोर्स द बॉय ग्रू अप एंड वॉज एबल टू अर्न अ लिविंग. और कुछ समय के बाद वो बच्चा बड़ा हो गया और वो पैसे कमाना उसने शुरू कर दिया. द पॉटर लुक्ड एट हिज सन एंड हिज हार्ट स्वेल्ड विद प्राइड. जब वो पॉटर अपने बच्चे को देखता था, अपने बेटे को देखता था, तो उसे कैसा फील होता था? प्राउड फील करता था. व्हाट अ फाइन यंग मैन माय सन हैज बिकम. उसने कहा कि मेरा बेटा कितना अच्छा एक जेंटलमैन बन चुका है. Soon it's time to get him married. अब उसके शादी करने की उम्र हो चुकी है. He had planned for a grand Indian wedding for his son. तो उसने क्या सोचा कि अपने बेटे की मैं बहुत ही धूमधाम से क्या करूँगा, शादी करूँगा. तो आप देख सकते हो शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं. He called upon the musicians, did the decoration, bought the flowers and had a feast. Feast मतलब होता है भोजन कराना. तो जब आपके यहाँ शादी होती तो आप जाते हैं तो खाना खाते हैं ना वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड फीस्ट. तो उसने सारी अरेंजमेंट्स की थी अपने बेटे की शादी के लिए. ही डिसाइडेड दैट आफ्टर द वेडिंग इज ओवर ही वुड टेक हिज सन एंड हिज ब्राइड अराउंड द सिटी इन अ ग्रैंड प्रोसेशन. उसने सोचा था कि जब उसकी बेटे की शादी हो जाएगी तो वो अपने बेटे को और अपनी ब्राइड मीन्स बहू को कहाँ ले जाएगा, पूरा शहर घुमाने लेके जाएगा और बड़े ही ग्रैंड तरीके से धूमधाम से लेके जाएगा. दे विल राइड एन एलिफेंट. वो एलिफेंट की सवारी करेंगे लाइक द चिल्ड्रन ऑफ वेल्दी लैंड ओनर्स. तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा जो है लैंड ओनर है या जमींदार है उसके घर की शादी है. तो मैं इतने धूमधाम से अपने बेटे की शादी करूंगा, उसको उसकी वाइफ को हाथी पे घुमाऊंगा. He said with a gleam in his eyes. Gleam means चमक. उसकी आंखों में एक चमक थी ये सब बोलते हुए.
In the same locality there lived an old oil merchant who owned an elephant. उसी के मोहल्ले में लोकेलिटी में एक मर्चेंट था जो एक ऑयल मर्चेंट था, मीन्स ऑयल का बिजनेस करता था. तो उसके पास एक एलिफेंट था. ही हायर्ड आउट हिज एलिफेंट टू पीपल ऑन पेमेंट ऑफ द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. तो वो मर्चेंट क्या करता था, अपना एलिफेंट किराए पे देता था दूसरे लोगों को. द पॉटर वेंट टू द ऑयल मर्चेंट एंड टुक द एलिफेंट ऑन हायर फॉर अ डे. तो वो जो पॉटर था वो मर्चेंट के पास गया और उससे एलिफेंट उसने उधार पे लिया, मीन्स हायर किया, किराए पे लिया. एज प्लान्ड दैट नाइट अ ग्रैंड प्रोसेशन वाउंड इट्स वे अराउंड द सिटी. उस रात, जिस रात उस पॉटर की बेटी की शादी थी, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा उसने सोचा था. द ब्राइड एंड ग्रूम ड्रेस्ड इन ऑल देयर फाइनरीज वर सीटेड ऑन द एलिफेंट व्हिच हैड बीन स्पेशली डेकोरेटेड फॉर द ओकेजन. तो अब जो है वो दिन आ चुका था जब एलिफेंट पे घूमने का दोनों का समय था. तो अब जो है ब्राइड और ग्रूम बहुत अच्छे से तैयार होके एलिफेंट पे बैठने को तैयार थे. अ हैप्पी चेयरिंग क्राउड ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन फॉलोड देयर प्रोसेशन. सो मेन वुमेन और जो भी बच्चे हैं वो सब मिलके क्या कर रहे थे, इस फेस्टिवल टाइप ओकेजन में शामिल हो गए. ड्रमर्स एंड म्यूजिशियंस वॉक्ड अलोंगसाइड. तो एलिफेंट के दोनों तरफ कुछ ड्रमर्स और म्यूजिशियंस खड़े थे, साथ में चल रहे थे. प्लेइंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स विद गस्टो. तो वो भी खूब मौज मस्ती में अपना इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे. इन द मिडल ऑफ ऑल दिस फन द एलिफेंट सडनली फेल एंड डाइड. और इन सब के बीच में अचानक से वो एलिफेंट गिरा और मर गया. द पॉटर वॉज शॉक. जो पॉटर था वो शॉक हो गया ये देख के कि एलिफेंट कैसे गिर गया और मर गया. द एलिफेंट हैड बीन फाइन. एलिफेंट तो बहुत ही ज्यादा फिट था, फाइन था, अचानक से ऐसा कैसे हुआ. नोबडी अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड सडनली. किसी को भी नहीं पता चला कि अचानक से उस एलिफेंट को हुआ क्या है. द पॉटर केप्ट थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑल थ्रू द नाइट. पूरी रात पॉटर इस बारे में सोचता रहा, सोचता रहा. What will I do? अब मैं क्या करूँगा? The merchant will be furious. He thought to himself. अब वो सोचने लगा कि जो merchant था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा. अब मैं क्या करूँ? Next morning he went to the oil merchant and said that he was sorry that the elephant died. तो अब अगली सुबह हुई, अब वो पॉटर merchant के पास गया और उसने उससे बोला कि सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ है, आपका एलिफेंट मर गया. He promised to either give him the full price or another elephant in return. तो अब उस पॉटर ने कहा, या तो मैं आपको आपके एलिफेंट की पूरी कीमत दे दूंगा या फिर बदले में मैं आपको एक एलिफेंट दे दूंगा. The oil merchant was a quarrelsome man. अब वो जो ऑयल मर्चेंट था वो कैसा आदमी था, काफी ज्यादा लड़ाकू. Quarrelsome means लड़ाकू, वो बहुत ज्यादा लड़ाकू इंसान था. He stood up and began to shout. वो वहाँ खड़े होकर चिल्लाने लगा. I can't excuse this. मैं तुम्हारी इस गलती को माफ नहीं कर सकता हूँ. I want the same elephant that I had lent you. मुझे वही वाला elephant चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था. Naturally, the potter could not bring back the same elephant. अब वो potter जो मर चुकी है चीज उसे कैसे वापस ला सकता, तो ये possible ही नहीं था. So the oil merchant went and lodged a complaint against him in case court. तो अब क्या किया उस merchant ने, वो गया उस porter के खिलाफ, उसने court में case डाल दिया. The case came up for hearing. अब hearing का दिन आ गया जब case को की सुनवाई होने वाली थी. The judge asked the oil merchant about his complaint. जज ने ऑयल मर्चेंट से पूछा उसकी कंप्लेंट के बारे में. द ऑयल मर्चेंट सेड दैट द पॉटर हैड बोरोड हिज एलिफेंट फॉर अ डे बट डिड नॉट रिटर्न इट. तो ऑयल मर्चेंट ने कहा कि इसने मेरा एलिफेंट लिया था पर अब तक वापस नहीं दिया. द जज टर्न टू द पॉटर एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट रिटर्न द एलिफेंट. द पॉटर एक्सप्लेन द होल स्टोरी एंड पुट फॉरवर्ड द सेम ऑफर ही हैड मेड टू द ऑयल मर्चेंट. अब जज ने जब उस पॉटर से पूछा, बताओ तुमने क्यों नहीं वापस किया इसका एलिफेंट, तो पॉटर ने पूरी स्टोरी सुनाई जज को और उस ऑफर के बारे में भी बताया जो उसने मर्चेंट को दिया था.
द जज थॉट दैट द ऑफर वॉज वेरी फेयर इंडीड एंड ट्राइड टू रीजन विथ द ऑयल मर्चेंट. तो जज ने जब इस ऑफर के बारे में सुना, उसने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर दे रहा है. मीन्स या तो तुम अपना एलिफेंट ले लो, एक नया एलिफेंट दे दूंगा, या फिर अपने एलिफेंट का जो भी पैसा है वो ले लो. तो जो जज था उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है. फिर वो ऑयल मर्चेंट से रीज़न पूछता है कि आपने इस ऑफर को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया. बट द फेलो फ्लैटली रिफ्यूज टू लिसन. वो जो मर्चेंट था उसने जज की बात को सुनने से मना कर दिया. He was adamant. वो अपनी जिद पे अड़ चुका था. He wanted only his elephant and asked the judge to compel the potter to return the same. तो अब जो मर्चेंट था अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि नहीं जज साहब, मुझे मेरा खुद का ही एलिफेंट चाहिए. ये जो दूसरा एलिफेंट दे रहा है वो नहीं चाहिए, ना उसके बदले पैसे चाहिए, मुझे अपना खुद का ही एलिफेंट वापस चाहिए. The judge was a wise and fair man. He saw that there was no point in arguing with the oil merchant. तो जज जो था वो बहुत ज़्यादा एक wise man था, एक fair man था, जो सच्चाई का साथ देता था. उसने देखा कि इस oil merchant से बात करने का कोई भी फायदा नहीं है. So he postponed the hearing till the following day. अब उसने क्या किया, जज ने hearing को अगले दिन तक टाल दिया. When the oil merchant had left, the judge called the potter. तो जैसे ही oil merchant वहाँ से गया, जज ने potter को बुलाया. I know that you are making an honest offer. तो अब जज ने उस potter से कहा कि मुझे पता है कि तुम जो offer दे रहे हो वो सही है, इसके अलावा कोई option नहीं है. I have an idea about how we can teach the merchant a lesson. अब मेरे पास एक आइडिया है जैसे तुम इस मर्चेंट को एक सबक सिखा सकते हो. ही सेड विद अ स्माइल. तो जज ने बोला कि मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें इसे सबक सिखाना है. द जज विस्पर्ड अ प्लान इन द पॉटर्स ईयर. जज ने एक प्लान बोला पॉटर के ईयर में. द पॉटर नॉडेड एंड वेंट अवे स्माइलिंग. पॉटर को जज की बात समझ में आई और वो वहां से हंसता हुआ चला गया. When court reopened the following morning, there was no trace of Potter. जब कोर्ट जो है अगली सुबह खुला तो कहीं भी पॉटर था ही नहीं. द ऑयल मर्चेंट वॉज फ्यूरियस एंड स्टार्टेड शाउटिंग दैट द पॉटर हैड रन अवे. तो अब ये देखने के बाद कि पॉटर तो कोर्ट में आए ही नहीं, तो जो मर्चेंट था वो और तेज तेज चिल्लाने लगा और ये बोला कि पॉटर तो यहाँ से भाग गया. After waiting impatiently for some more time, the oil merchant said to the judge, "He is probably hiding in his house as he is scared to come to the court." तो अब बहुत देर तक वेट करने के बाद, impatiently वेट करने के बाद, oil merchant ने जज से कहा कि हो सकता है वो अपने घर में छुपा हुआ हो, यहाँ आने से डर रहा हो. The coward, I would like to go to his house and bring him. तो मर्चेंट ने कहा जज से कि मैं उसके घर जाना चाहता हूँ और उसे यहाँ लाना चाहता हूँ. The judge agreed at once and ordered a junior court officer to accompany the oil merchant. तो जज ने कहा ठीक है आप जाइए, उस पॉटर को यहाँ कोर्ट में लेके आइए. और जज ने अपने एक जूनियर कोर्ट ऑफिसर को भी बोला मर्चेंट के साथ जाने के लिए. They reached the potter's house and there and the oil merchant knocked at the door. तो जैसे ही वो पॉटर के घर पे पहुंचे, जो मर्चेंट था उसने उस पॉटर के दरवाजे को खटखटाया. Good and hard. There was no reply. He hammered at the door with his fist and called out the potter's name at the top of his lungs. यहाँ पे top of the lungs का मतलब है बहुत तेज से चीख चीख के उसने पहले तो दरवाजे को खटखटाया और फिर उस पॉटर का नाम चीख चीख के बुलाया. कम आउट यू थीफ. तुम बाहर आओ. यू कांट हाइड फ्रॉम मी. तुम मुझसे छुप नहीं सकते. ही रोड बट देयर वॉज डेड साइलेंस विद हिम. अंदर घर में एकदम सन्नाटा फैला हुआ था. द ऑयल मर्चेंट लॉस्ट हिज टेम्पर. अब वो जो ऑयल मर्चेंट था उसका जो भी टेम्पर था वो खो गया. And with that, he gave the door a, और उसी के साथ उसने क्या किया उस डोर को mighty push means बहुत तेज धक्का मार दिया.
लिटिल डिड ही नो दैट द पॉटर हैज स्टैक्ड द होल लॉट ऑफ अर्थन पॉट्स अगेंस्ट द डोर. अब उसने क्या किया, जैसे ही उसने डोर खोला उसने देखा कि जो पॉटर था उसने पूरा जो डोर था उसको अर्थन पॉट्स मीन्स ये जो मटके हैं उससे पूरा ढक रखा था. विद द पुश दे ऑल केम क्रैशिंग टू द फ्लोर. और जैसे ही धक्का मारा मर्चेंट ने क्या हुआ, सारे पॉट्स नीचे की तरफ गिर गए. एंड दैट वेरी मिनट द पॉटर केम चार्जिंग आउट ऑफ द बैक ऑफ द डोर क्राइंग अलाउड फॉर हिज पॉट्स. और ये देखते ही पॉटर घर के बाहर निकल के आया और वो जोर जोर चीखने लगा कि मेरे पॉट्स किसने तोड़े. यू क्लम्सी फूल, लुक व्हाट यू हैव डन, यू हैव डिस्ट्रॉयड माई एंसेस्ट्रल पॉट. तो अब जो है उस पॉटर ने कहा, तुमने मेरे पूर्वजों की निशानी तोड़ दी, ये मेरे पूर्वजों का मीन्स मेरे परदादाओं का पॉट्स था. आई विल गो टू द जज एंड कंप्लेन, ही लैमेंटेड. अब पॉटर ने बोला कि मैं जाऊंगा जज के पास जाके तुम्हारी कंप्लेन करूंगा कि तुमने मेरे पूर्वजों का पॉट तोड़ा है. When they came before the judge, the oil merchant offered to pay him the for the pots or to replace them. तो अब मर्चेंट ने बोला पॉटर से कि मैं तुम्हें जो है या तो इसके बदले पॉट्स दे देता हूँ या फिर तुम्हें पैसे दे देता हूँ. But the potter turned up his nose at the offer. पॉटर ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर नहीं है. My ancestors had given me those pots. ये जो पॉट्स थे मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया था, they are irreplaceable. ये जो पॉट्स हैं इन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता है. No amount of money can compensate for my loss. कोई भी पैसा मेरे पूर्वजों की उस आखिरी निशानी को कंपनसेट नहीं कर सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता है. He declared. So he demanded for the very same pots. उसने कहा नहीं, मुझे वही वाले pots चाहिए जो टूटे हैं. Now the oil merchant was in a fix. अब जो oil merchant था वो अपनी जगह पे fix हो गया. वो सोचने लगा अब मैं क्या करूँ. At last he offered that if the potters dropped his demand for the old pots, he would not ask for the elephant. तो अब potter अब जो है merchant ने सोचा कि ठीक है, अगर ये जो पॉटर है वो मुझसे अपने पॉट्स नहीं मांगेगा तो बदले में मैं उससे अपना एलिफेंट नहीं मांगूंगा. आई डोंट नो अबाउट दिस, इट डजंट सीम फेयर, द पॉटर प्रिटेंडेड टू बी अनविलिंग. तो पॉटर को जब मर्चेंट ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें ना तुम्हें से एलिफेंट मांगूंगा ना मुझसे तुम पॉट्स मांगो, तो पॉटर ने कहा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और It doesn't seem fair. ये बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है. But finally accepted the offer and the case was settled. तो बाद में जो पॉटर था उसने इस ऑफर को मंजूर कर लिया और केस खत्म हो गया. Thus the quarrelsome oil merchant lost on both counts. तो बाद में क्या हुआ, वो जो quarrelsome oil merchant था उसने दोनों ही ऑफर्स को खो दिए. He lost an elephant. उसने elephant तो खोया ही, साथ में उसे कोई भी पैसे मिले नहीं. अगर उसने पैसे ले लिए होते तो उसके elephant की भरपाई हो गई होती, या elephant ले लिया होता तो elephant की भरपाई हो गई होती. लेकिन अब क्या हुआ, ना उसके पास elephant है और ना ही उसके पास पैसे हैं. Even the potter lost a few pots. और जो potter था उसके भी कुछ pots टूट गए. But they were not of so much value. लेकिन उन pots की इतनी value नहीं थी. In a week's time he had made a whole lot of new ones to replace them. तो एक ही हफ्ते में potter ने बहुत सारे वैसे ही और pots बना लिए थे उन्हें replace करने के लिए. So this was the story children. Now let's move on to glossary which is word meaning. So here the first word is potter. Potter is a person who makes dishes, plates and other objects from clay. Next is merchant. A merchant is a person whose job is to buy and sell goods. Lodge means to become stuck in a place or position. Hammered, hit hard several times, making a loud sound. Swell, to become or to make something bigger, fuller or thicker. Quarrelsome means liking to argue with other people. Adamant means very sure, refusing to change your mind.
एंड कॉम्पनसेट मीन्स टू रिमूव और रिड्यूस द बैड इफेक्ट्स ऑफ समथिंग. सो दीज आर द वर्ड मीनिंग चिल्ड्रेन, क्विकली लर्न देम अप. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज. हियर लेट्स मूव ऑन टू कॉम्प्रिहेंशन. ए पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द पॉटर लिव्ड इन अ विलेज ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज, सो ही लिव्ड इन तमिलनाडु. What did the merchant trade in? Fruits, butter, oil or vegetables? So he traded in oil. Now let's move on to B part, which is number these sentences in correct order according to the story. So story ke according hume kya karna hai? Number dalna in sentences mein. So first one is he spent a lot of money on food and clothes. Father boy and sent him to school. He had only one child, a son. The oil merchant was a quarrelsome man by nature. The judge turned to the potter and asked him why he had not returned to the elephants. The potter was shocked. So here, the first one is he had only one son. Next, he spent a lot of money on food and clothes for the boy and sent him to school. So similarly, find out the rest and arrange them accordingly. Next, C exercise is given below are sets of words. Use them in any order to make your own sentences. तो यहाँ पे कुछ words के sets दिए हैं, आपको इन्हें use करना है sentence बनाने के लिए. तो police और procession, eyes gleamed and merchant, finery, celebration, quarrelsome neighbor and hammer, complaint and compensate. तो आपको ये दोनों वर्ड्स आने चाहिए उस पर्टिकुलर सेंटेंस में. जैसे कि हो सकता है द पुलिस स्टार्टेड द प्रोसेशन इन द कोर्ट. सो सिमिलरली यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स to make sentences. और ये words जो है दोनों ही words एक sentence में आने चाहिए. So do it like this children. Now let's move on to D part, which is write true or false for the following sentences. The potter had a son and a daughter. This is false. The potter spent a lot of money on the upbringing of the son. Yes, this is true. The merchant would hire out his elephant for money. Yes, true again. And like this, complete the rest of the questions yourself. And with this children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.